हाय एवरीवन, वेलकम टू जी केमिस्ट्री। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बार्टन रिएक्शन और साथ में एक और रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर से वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो बार्टन रिएक्शन बहुत पॉपुलर है, इस बार भी नेट में क्वेश्चन आया है, सर आता ही रहता है फ्रीक्वेंटली, तो आपको बहुत अच्छे से करने हैं। एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं वो भी हमें कवर करने हैं, तो अभी स्टार्ट करते हैं। फोटो केमिस्ट्री के पहले वाले पार्ट से लेना, चार पांच वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है और नेट और गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो लोग जैम के लिए इस वीडियो को देख रहे हो प्लीज मत देखो, आपके सिलेबस का नहीं है, फोटो केमिस्ट्री आपके सिलेबस में नहीं है, आपको एक भी वीडियो नहीं देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बार्टन रिएक्शन। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सबस्ट्रेट किस तरह का दिखेगा। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, कोई भी रिएजेंट आप करते हो या फिर कोई भी नेम रिएक्शन करते हो तो आपको सिर्फ दो चीजों पे फोकस करना है। फर्स्ट तो ये कि सबस्ट्रेट दिखेगा कैसा और रिएजेंट कैसा होगा। तो फोटोकेमिस्ट्री सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि यहाँ पे रिएजेंट कुछ नहीं है, फोटोकेमिकल कंडीशन चाहिए, रिएक्शन हो जाएगी, बट आपको सबस्ट्रेट पहचानना आना चाहिए, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो हमेशा जो भी नेम रिएक्शन आप कर रहे हो, जो भी रिएजेंट पढ़ रहे हो, तो सबस्ट्रेट पे मेन फोकस करो, सबस्ट्रेट कैसा है, रिएजेंट कैसा है। प्रोडक्ट तो फिर भी याद आ जाता है बट पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, इसमें क्या है, अगर मान लो मैंने आपको कुछ इस तरह की रिएक्शन दी, ठीक है, ये एल्कोहल है, मान लो तो कुछ ऐसे ही है, यहाँ पर लगाते हैं आर और आर डैश, ये है, ठीक है। एल्कोहल से मतलब एक स्टेप मैं पहले से लेकर चल रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है एल्कोहल से ही कई बार दे देते हैं तो फिर कंफ्यूजन होती है बार्टन रिएक्शन है या फिर नहीं है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर एड कर रही हूँ एनओसीएल तो क्या होगा, और साथ में मैंने एड कर दिया यहाँ पे पिरिडीन। पिरिडीन आपको पता है क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये तो ये है हमारा पिरिडीन। जैसे आपको हमेशा बताती हूँ, ऑर्गेनिक में जितनी बड़ी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड कितनी भी रिएक्शन हो, बट एक चीज जो फिक्स होती है वो ये कि जो एसिड बेस रिएक्शन होती है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है। तो किसी भी रिएक्शन में, किसी तरह की भी रिएक्शन हो, जो मर्जी रिएजेंट दिया हो, जो मर्जी सबस्ट्रेट हो, अगर आपको दिख रहा है कहीं ना कहीं एसिड बेस रिएक्शन हो सकती है तो वो होगी, 101% होगी। तो यहाँ पर देखो पिरिडीन है, आपको पता है दिस इज बेसिक इन नेचर, तो क्या करेगा, जो भी इसको एसिडिक प्रोटोन मिलेगा उसको निकालेगा सबसे पहले। तो अगर कहीं है तो आपको पता है जो एच लगा हुआ ऑक्सीजन था वो क्या है, एसिडिक है। आपको हमेशा ये बताती हूँ, जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से लगा होता है कोई भी एच, तो क्या होता है, एसिडिक होता है। रीजन ये है, जो बोन्ड के दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ पुल करेगा हमारा ऑक्सीजन, तो इजिली निकल जाएगा हमारा एच प्लस यहाँ से, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो ये बेस है क्या करेगा, एच प्लस को निकाल के यहाँ पे क्या बनाएगा, ओ माइनस, ठीक है। उसके बाद जो ये यहाँ पे है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इस तरह का मान के चलते हैं अभी के लिए, मैंने क्या किया मल्टीपल मोड्स नहीं दिखाए हैं तो उसको अभी ऐसे मान के चलो। तो क्या करेंगे हम, सिर्फ इतना देखो या फिर कंफ्यूजन हो रही है तो उसको एनओ के साथ में लिखो ऐसे करके। अभी क्या है, ये यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, है ना। तो क्या होता है, ये वाला जो बोन्ड है ये भी इलेक्ट्रॉन से ही मिलकर बना है, तो अब क्या होता है, ऐसे वाले बोन्ड्स जो होते हैं वो कभी भी स्टेबल नहीं होते। उनका स्टेबल ना होने का रीजन सिर्फ इतना ही होता है कि इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं लोन पेयर्स की वजह से भी, कि आपस में क्या होता है, रिपल्शन होती है, रिपल्शन की वजह से दूर जाना चाहते हैं वो। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला बोन्ड ब्रेक करेगा, ये निकला हमारा सीएल माइनस और यहाँ से ओ माइनस अटैक करेगा इसके ऊपर, तो हमें जो नेक्स्ट मिलेगा वो हमें मिल गया ये, और ये है हमारा सब्सट्रेट हमारी बार्टन रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो उसको भूलना नहीं है, सब्सट्रेट ये होता है, बट कभी कभी हो सकता है आपको ओएच से भी स्टार्ट करवाए रिएक्शन इस तरह से, या फिर ये हो सकता है, मान लो पहले यही कार्बोनिल ग्रुप होता ऐसे करके, ऐसे कार्बोनिल ग्रुप होता ऐसे, उसमें डाला होता LiCl4, पहले रिड्यूस करवाया उसके बाद NOCl लगवाया। आपको पता है नेट और गेट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, दो तीन स्टेप में रिएक्शन को ब्रेक कर देते, तो आपको पता होना चाहिए। इस वाले केस में भी अगर ऐसे होता तो क्या करते, पहले रिड्यूस करवाएंगे उसके बाद हमारा एल्कोहल बनेगा उसमें डालेंगे फिर हमारा ये वाला आ गया सब्सट्रेट, जो कि है किसके लिए, बार्टन रिएक्शन के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट पे, इसमें हमें चाहिए होती है फोटोकेमिकल कंडीशंस, और ये आपका सब्सट्रेट है फॉर बार्टन रिएक्शन। दो तीन चीजें हैं उनको समझ लो, क्वेश्चंस तो बहुत आराम से हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखो यहां पर फिर से वही बात आती है, ऑक्सीजन इसके पास लोन पेयर है ना, यहां पर भी क्या है, लोन पेयर है। अभी क्या होगा, फोटोकेमिकल कंडीशन, तो ये वाला बोन्ड क्या है, सबसे ज्यादा वीक बोन्ड होता है, या फिर आप इसको अगर ऐसे भी नहीं समझ रहे तो एक बात जो हर जगह अप्लाई होगी वो ये कि अगर कोई दो हेट्रो एटम्स गिवन है आपको, उनके बीच में कोई भी बोन्ड है तो वो कभी भी स्टेबल नहीं होता, वो मतलब बहुत वीक बोन्ड होता है। ऐसे वाले जो होते हैं वो वीक बोन्ड्स होते हैं, जो किससे बने होते हैं, दो हेट्रो एटम्स से वीक बोन्ड, तो वो ब्रेक करेगा ही, ठीक है। एच न्यू डाला हमने क्या करा, तो एक रेडिकल, रेडिकल मैकेनिज्म है, ऐसे करके ब्रेक होगा और ये हमारे पास बन जाएगा ये ओ रेडिकल, और
एनो रेडिकल अलग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो मैं इसको ऐसे शेप में लिख रही हूँ उसका एक रीजन है, क्योंकि हमें ना एक सिक्स मेंबर रिंग बनवानी है। जैसा आपने देखा होगा मैक्लिफोर्टी अरेंजमेंट हम करते हैं, बिल्कुल वैसे सी सिमिलर सी बनेगी। इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, ये ग्रुप लगा हुआ है सर, नेक्स्ट रिंग अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। तो हमें चाहिए इसमें क्या, डेल्टा कार्बन। डेल्टा कार्बन पे होना चाहिए क्या, आपका एक एच प्रेजेंट होना चाहिए, तभी होगी पार्टनर रिएक्शन। डेल्टा कार्बन पे एक एच प्रेजेंट होना चाहिए। अब क्या होता है पेपर में, मुझे ये इजी लगता है कि मुझे ऐसे पता है कि यहाँ पर एक एच होना चाहिए, तो एच तो यहाँ पर है। अब ये क्या होगा, इसमें एक बनती है हमारी सिक्स मेंबर रिंग। सिक्स मेंबर रिंग मैं आपको पहले भी किसी वीडियो में बताया होगा कि जहां पर भी सिक्स मेंबर रिंग बनवानी होती है, मैं काउंट करती हूँ इस तरह से कि मुझे पता है यहां से सिक्स मेंबर रिंग बनेगी, तो ये भी रिंग का पार्ट होगा। कैसे काउंट करती हूँ, 1 2 3 4 5, इस कार्बन पे एच है तो 6। इस तरह से अगर आपको अल्फा बीटा गामा डेल्टा नहीं काउंट करना तो 1 2 3 4 काउंट करो, 1 2 3 4 5 और 6 मेरी बन जाएगी सिक्स मेंबर रिंग। वो किस तरह से बनेगी, यहां पर एच को दिखाते हैं और यहां लगाते हैं ये इस तरह का बोन्ड, मतलब ये क्या है, सिक्स मेंबर रिंग बन गई हमारी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो ये बोन्ड है ये ऐसे ब्रेक करेगा, ठीक है। तो जो एच रेडिकल है वो क्या करेगा, इसको अपने पास रखेगा और यहां पर एक रेडिकल आएगा। तो यहां पर हमारा बन गया ये ओ रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल था ना ओ रेडिकल, और एच रेडिकल ने क्या करा, बोन्ड बना लिया, ओएच बन गया वापस से, और यहां पर आ गया है रेडिकल आर और आर डैश। अब ये है, एक क्वेश्चन हो सकता है कि ये रिएक्शन क्यों हुई है यहां पर इस तरह से, उसका ड्राइविंग फोर्स क्या है बेसिकली। तो यहां पर देखो जो रेडिकल है ना वो ऑक्सीजन पर लगा हुआ है, ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग है, मतलब क्या लगा लो कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो उसके ऊपर रेडिकल इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, जबकि ये वाला थोड़ा सा इससे तो बेटर थोड़ा स्टेबल है, क्योंकि ये जो कार्बन है वो क्या है, टर्शियरी कार्बन है, तीन कार्बन से ऑलरेडी अटैच्ड है, तो ये वाला रेडिकल इससे ज्यादा स्टेबल है, यही है इसके ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। तो हम यहां तक आ गए। उसके बाद क्या होगा, आपको पता है रिएक्शन में एनो रेडिकल अभी भी अवेलेबल है ना। एनो रेडिकल क्या करेगा, इसके बाद बोन्ड बनाएगा, तो डायरेक्टली यहां बना लू ये रेडिकल, रेडिकल कंबाइन करके हमारा बना लेंगे एनो। तो ये आ गया हमारा प्रोडक्ट। अभी ना इसमें भी वेरिएशंस हो सकते हैं आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तो वो कैसे देखोगे, ये तो बन गया हमारा इतना। उसके बाद क्या है, कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन वन या केस वन, व्हेन जो ये आर है इनमें से मतलब कोई भी एक तो एच के इक्वल हो, जैसे मैंने आर को एच मान लिया, और जो आर डैश है वो कोई भी एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल में मान लो कोई भी एल्काइल हो सकता है, मैं CH3 ले लू, ठीक है। तो ये है आपका फर्स्ट केस। तो अगर ऐसा होता है तो मेरा किस तरह से दिखेगा, ये यहां पर लगा हुआ है एनओ, इधर एच और CH3। अगर ये वाला केस है जिसमें एक तो एच है और एक कोई एल्काइल ग्रुप है, तो क्या करेंगे, तो ये क्या करता है, एनओ को ओपन करो इस तरह से, कर सकते हैं ना। क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये इधर ब्रेक, इसको क्या बोलते हैं, टोटोमेरिसो, है ना। तो ये वाला इधर ब्रेक हुआ, जैसे इसका नेगेटिव एच पे आएगा पॉजिटिव, ये वाला एच इसको यहां पे दे देगा, तो क्या बनेगा, ये तो बिल्कुल सेम रहेगा, यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, एन के साथ बन जाएगा OH, और यहां का आएगा हमारा CH3। तो इन दोनों में से कोई एक भी अगर एच है तो आपको यहां पे नहीं रोकना है, ये बनाना है, ठीक है। इस फॉर्म का आपका प्रोडक्ट होना चाहिए, बाकी डिपेंड भी करता है क्वेश्चन पर। अगर क्वेश्चन में इस तरह से छोड़ा हुआ है तो आप ये वाला करोगे आंसर मार्क, नहीं तो ये वाला आंसर मार्क करोगे, ठीक है। तो ये होगा फर्स्ट केस। सेकेंड केस है हमारा व्हेन आर इज इक्वल टू आर डैश इज इक्वल टू एच, मतलब जब ये दोनों ही एच होंगे तो क्या होगा, ठीक है वो देखते हैं। अगर दोनों ही एच हो जाएंगे तो ये हमें दिखेगा कुछ इस तरह से, दोनों एच हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप तो वही होगा टोटोमेरिज्म, मतलब देखो टोटोमेरिज्म समझ रहे हो, जैसे कीटो और इनोल फॉर्म होती है, जैसे हमारे कीटो और इनोल फॉर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपने टोटोमर्स होते हैं, मतलब मैं इसको इस तरह से लगाऊं, यहां पे कुछ भी लगा हुआ है, तो ये मेरी कीटो फॉर्म है। मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकती हूँ, यहां पर टोटोमेरिज्म कैसे होता है, ये वाला बोन ऐसे ब्रेक किया, इधर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव, इसमें से एक एच जो है वो यहां पर आएगा और ये इसको पकड़ लेगा ऐसे ऐसे करके, तो ये कार्बन है OH और यहां पर डबल बॉन्ड CH जो भी ग्रुप लगा होगा इस तरह से। तो ये इनोल फॉर्म, ये हमारी कीटो फॉर्म, दोनों ही क्या है टोटोमर्स है, तो बिल्कुल वैसे यहां पर भी हो रहा है, ठीक है ये हो गया। देन आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। हाँ तो क्या होगा, पहले तो ये ऐसे ब्रेक और ये यहां पर क्या बनेगा नेक्स्ट स्टेप में, OH इधर डबल बॉन्ड N और साथ में OH,
ठीक है, और ये एक एच बच गया, यही है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो ये एच है यहां पर, ये एच है, इसको भी ऑक्सीजन ले लेता है। मतलब आप ऐसे दिखा सकते हो कि यहां से ये ओएच माइनस निकला और यहां से ये एच प्लस निकला, तो वाटर रिलीज हो गया ना बेसिकली। तो यहां से हमने वाटर को रिलीज किया, तो ऐसे लगा लो। वैसे तो ये कंसर्टेड मैकेनिज्म है, बट ऐसे समझो नेगेटिव या यहाँ पे पॉजिटिव आया होगा, इधर नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। तो ये हमारा हो गया, सी एन ग्रुप बन गया हमारा यहाँ पर, और ये है हमारा फाइनल आंसर। तो ये दो तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं, या तो ये बनेगा या फिर ये बनेगा, डिपेंड किस पे करेगा, आपके आर और आर डैश की वैल्यू पर। दोनों अगर सेम होते हैं, मतलब सेम अगर एच वाले होते हैं, तो क्या करोगे, यहां से पहुंचाओगे इसको। अगर नहीं, एक एच होता है एक सी एच थ्री होता है, तो ऐसे करोगे। अगर दोनों ही एल्काइल होते हैं, मान लो दोनों सी एच थ्री हैं, बस कुछ नहीं करना, यही छोड़ दो। मतलब दोनों ही अगर एल्काइल ग्रुप्स हैं, तो क्या होगा, टोटोमेरिज्म नहीं हो सकता, उसके लिए तो हमें एच चाहिए एसिडिक वाला। तो क्या करेंगे, इसको यहीं पर छोड़ देंगे, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा अगर दोनों सेम है, और बाकी ये वाला और ये वाला केस आपके सामने है। ठीक है, इस तरह से होता है, इतना क्लियर है। तो यही था हमारा मैकेनिज्म सारा बायटन रिएक्शन का। अब डायरेक्टली हम जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट केस है, वो मैं आपको क्वेश्चन करवाते टाइम साथ साथ ही डिस्कस करूंगी। जो फर्स्ट क्वेश्चंस को ट्राई करो, इजी है बिल्कुल, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैकेनिज्म, कुछ बताने जैसा उसमें नया नहीं है, बिल्कुल पुराना ही करना है। तो करो एक बार ट्राई। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर मैं वापस से लिखती हूँ एक बारी। ऐसे है, यहाँ पर आपका लगा हुआ है ONO, पहले से ही ONO लगा के दिया है, हमें कुछ ज्यादा काम नहीं करना है, इस तरह से। ठीक है, तो पहले क्या है, H nu दिया होगा है, तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, जिससे पहले क्या था, यहाँ पर आएगा रेडिकल। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सिक्स मेंबर रिंग बनानी है, और वहां से H को एब्स्ट्रैक्ट करवाना है। इतना ही काम करेंगे, H रेडिकल को लेकर आएंगे और रेडिकल कंबाइन करवा के OH बनाएंगे, है ना। तो बस वही काम करना है, अल्फा बीटा गामा के चक्कर में मत पड़ो, डायरेक्टली सिक्स मेंबर रिंग बनाओ, बाकी आपकी मर्जी जैसे करना है। 1 2 3 4 5 और यहां पर जो एच लगा होगा वो ऐसे है ना, इस तरह से कर सकते हो। अभी क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज वो ये है, यहां पे मार्क करके लिख लो, चाहे तो स्टार बना के लिख लो। इंपॉर्टेंट जो है वो ये कि जो ये ONO है, ONO एंड जो वाला एच आपका है, मतलब जो एच आपको निकालना है सिक्स मेंबर रिंग बना के, शुड बी इन सेम प्लेन। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें सिक्स मेंबर रिंग बनानी है, जब सेम प्लेन में होंगे तो एक प्रॉपर रिंग बना पाएंगे, है ना। तो इसलिए ONO और एच जो आपके सेम प्लेन में होने चाहिए। अब आप देखोगे यहां पर, मैंने आपको बताया था जो पास साइक्लोहेक्सेन होता है, ये हम वगैरह डिस्कस कर चुके ऑलरेडी, इसका ये वाला डाउन वाला बॉन्ड है, ये वाला अप वाला बॉन्ड है ना। इसको मैं और कैसे दिखा सकती हूँ, इसको ऐसे दिखा दो, इसको ऐसे दिखा दो, एक ही बात है ना। वैसे कहीं बुक में ऐसे लिखा नहीं मिलेगा, बट वो एक ही बात है, ये जो है इसकी रिप्रेजेंटेशन यही होती है। तो हम ये मानने के बाद जो बॉन्ड है ये वाला, ये डैश पर है ना। और यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि दोनों एच लगे हुए, तो एक तो ऐसे होगा और एक क्या होगा, एक ऐसे होगा, तो जो डैश वाला है वो निकलेगा। इस क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि दोनों एच लगे हुए, बट बाकी क्वेश्चन में इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर देखो, जो सेम वाला है वो हम निकाल लेंगे। अब भी क्या क्वेश्चन हो सकता है कि मैम 1 2 3 4 5 6 ये वाले कार्बन पे भी तो बन सकता है हमारा, लेकिन आप ध्यान रखो, ये क्या ऊपर की साइड पर लगा हुआ है ना, तो ये ऐसे वाला बॉन्ड है, और ये क्या है डैश पर आया, वो डैश पर आया, तो यहां से नहीं निकल सकता। अभी समझ में आया, इसलिए ये वाला निकालेंगे। तो क्या होगा, ये वाला रेडिकल यहां से 1 2 3 4 5 6 ये वाला रेडिकल निकलेगा, एच रेडिकल यहां पर क्या करेगा, रेडिकल छोड़कर आएगा और एच रेडिकल का कंबाइन करके OH बना देगा। ठीक है, अब जो ये रेडिकल बने उसका क्या कंबाइन करेगा, एनो रेडिकल जो पहले था, तो यहां से हमने क्या किया, डैश पोजीशन पर ही NO इस तरह से लगा दिया। अब क्या है, एक एच ऑलरेडी अवेलेबल है, तो क्या करेंगे, इसको यहां लगाएंगे, इसको यहां लगाएंगे, फाइनल प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, ये तो बचाएंगे ना अभी, डबल बॉन्ड एन
इसका कोएच ऐसा मिलेगा आपको अपना फाइनल प्रोडक्ट, ऐसा दिखेगा वो, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट, इजी था, बस ध्यान क्या रखना था दोनों सेम प्लेन में होनी चाहिए, यहां से नहीं निकला क्योंकि वो दूसरे वाले प्लेन में है, यहां पर दोनों की पॉसिबिलिटी है, इससे भी है और इससे भी है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन आओ यही सॉल्व करते हैं। अभी क्या है, ओएनओ में दिया हुआ है, आपको दिख रहा है आपको फोटोकेमिकल कंडीशन है, क्या करेंगे रेडिकल बनेगा सबसे पहले ना, इसको हटाओ, एक रेडिकल बना दिया हमने यहां से। अब यहां पे सिर्फ ना इम्पोर्टेंट स्टेप जो है वो यही है कि एच रेडिकल कहां से निकाल कर लाना है, ये तो समझ में आ गया कि सिक्स मेंबर रिंग बनानी है, वो सिक्स मेंबर लेफ्ट साइड में बनाए, राइट साइड में बनाए, नीचे बनाए, ऊपर बनाए, कहां बनानी है, तो वही क्वेश्चन होता है, वही देखना है। तो सबसे पहली बात तो मैंने ये बताई आपको कि दोनों सेम प्लेन में होने चाहिए, तो पहले तो सेम प्लेन देखो, पहले देखो सिक्स मेंबर रिंग कहां कहां बन रही है, फिर देखो सेम प्लेन कहां पर है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5, ये सी एच थ्री है ना, तो 5 तो कार्बन वाली हो गई, उस पर एच लगा हुआ वो 6 हो गया, तो मतलब 1 2 3 4 5 6, समझ में आया कैसे काउंट कर रही हूं। देखो ये है और यहां पर लगी है हमारी ये सी एच थ्री, इसको ऐसे लिख दो ऐसे करके, तो मैं क्या कर रही हूं उसको 1 2 3 4 5 और 6 बोल रही हूं हाइड्रोजन को, ठीक है। तो यहां से हमारे पास एक पॉसिबिलिटी, ये भी देखो ऊपर अबव द प्लेन है, ये भी है अबव द प्लेन, तो यहां से निकल सकता है, एक तो पॉसिबिलिटी ये वाली है, निकल सकता है का मतलब ये नहीं कि निकलेगा, पहले बाकी सारी पॉसिबिलिटी चेक करो, क्योंकि ऑप्शन में ना हर जगह से निकाल के आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे, बट आपको करेक्ट चूज करना है। तो कैसे करेंगे, एक ये वाली पॉसिबिलिटी यहां से निकल सकता है, दूसरा देखते हैं 1 2 3 4 5 इसका लगा हुआ एक एच 6, यहां से भी निकल सकता है ना। तो ये दोनों ही सीएसए क्या है, सेम प्लेन में अबव द प्लेन है, तो इससे निकलेगा या फिर इससे निकलेगा, कैसे डिसाइड करेंगे, ऐसे वाले केसेस में फंसते हैं हमेशा, नेट का ही क्वेश्चन है ये, इसमें क्या करेंगे ऐसे वाले केसेस में, एक और स्टार बनाओ, लिखो एच विल बी एब्स्ट्रैक्टेड, एच विल बी एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप साइड, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप साइड, जिस साइड भी आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा उस साइड से निकलेगा हमारा एच, ठीक है। देखो यहां पर क्या लगा हुआ है, सीओओएसी, क्या है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, कैसे देखोगे, एसी है ना, तो क्या है मतलब ये पूरा ग्रुप है, तो क्या है यहां पर नेगेटिव, यहां पर क्या है पॉजिटिव, तो क्या है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ना, ये क्या करेगा इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ करेगा, ये अपनी तरफ करेगा, ये अपनी तरफ, ऐसे करके एच रेडिकल आराम से निकल जाएगा। तो जिस भी साइड हमें दिया होगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप वहां से हम निकालेंगे, इस क्वेश्चन में आप यहां से भी निकाल सकते थे, यहां से भी, बट निकलेगा कौन सा, यहां से जिस साइड में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा उस साइड से निकालेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, अभी ये वाला रेडिकल निकला, यहां से एक रेडिकल बना गया यहां पर, और ये कंबाइन करके ओएच बना गया, ठीक है। इसका क्या करेगा यहां पर एनओ लग जाएगा यहां पर आगे एनओ, उसके बाद क्या करेंगे फिर से, यहां पर एच तो है ही, सीएचसी है ना ये, ऐसे करके नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, खिचड़ी पका दी क्या मैंने, मैं वापस थोड़ा साफ साफ लिखती हूँ। देखो यहां पर ये कार्बन है, दो एचएस पे लगे हुए हैं, एक आगे लगा है एन डबल बॉन्ड ओ, इस तरह से ओएच तो बना ही हुआ साइड में, ठीक है, ओएच हमारा यहां पर है ऐसे करके ओएच, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये यहां और ये यहां, तो क्या बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, कार्बन का डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ओएच, यहां पर लगा हुआ एक एच और ये अपना इधर है ओएच, तो ये बनेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट, बाकी पूरा स्ट्रक्चर वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है। तो ये रहेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, ऐसे करते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है, वो ये कि मैम एक और एच अवेलेबल है तो क्या सीए नहीं बनेगा। अब ना जो ऑप्शन जो आपको दिखा था ना, जो मतलब ये मैं बोल रही हूँ नेटवर्क क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, वो ये वाला दिया हुआ है, सीएन वाला ऑप्शन नहीं है। तो अब जब हमें सीएन वाला ऑप्शन ही नहीं दिया तो क्यों जाए हम नेक्स्ट स्टेप पे, है ना, तो ये वाला छोड़कर आओ। अगर आपको एक ऑप्शन दिया होता साथ में जिसमें सीएन बनाया होता, आपको पता है वो भी बन सकता है यहाँ पर, बट बाकी क्वेश्चंस को हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो जो ऑप्शन में ये वाला है तो हम इसी को बनाएंगे, अगर सीएन वाला होता तो फिर इसको मार्क करके आते, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया, थर्ड क्वेश्चन पे आओ। बिल्कुल सेम सा ही स्ट्रक्चर है, बस डिफरेंस ये है कि इस बार ये डैश वाला बोन है, तो इसका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 तो बन जाएगा, बट ये क्या है दोनों ही क्या है अलग अलग प्लेन में है, तो यहां से तो निकलेगा नहीं, है ना।
उसका बाद यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहां से निकल सकता है, लेकिन आप देखो साथ में क्या लगा हुआ है, CH3। CH3 क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो अब आप कहोगे कि आपने बोला था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साइड से निकालना है। अब आप खुद देखो, आपको दिख रहा है जितने भी एच यहाँ पे अवेलेबल है सारे क्या है, 6 मेंबर रिंग नहीं बना पाएंगे क्योंकि क्या है, दूसरे प्लेन में है, ये अबव द प्लेन है और बाकी सारे क्या है, बिलो द प्लेन। तो यहां से नहीं बना पाएंगे। जब कोई और ऑप्शन नहीं मिल रहा हमें इधर उधर से निकालने का, क्योंकि सेम प्लेन तो मस्ट है, आपको सेम प्लेन में होना ही चाहिए। जब दोनों तरह से सेम प्लेन दिख रहे होते हैं तो फिर देखते इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है या फिर नहीं लगा हुआ। यहाँ पर हमें मिल गया था, हमने यहां से निकाल दिया, यहाँ पर हमें सिर्फ प्लेन ही एक मिल रहा है, तो चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, चाहे रिलीजिंग हो, कुछ भी हो, मैं वहीं से निकाले क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस वाले केस में भी क्या होगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रही हूं मैं यहाँ पे, इधर आएगा OH, ये कार्बन है, इस पर आएगा डबल बॉन्ड एंड OH और यहाँ पर CH। ठीक है, ऑप्शन में अगर गिवन है CN तो CN बना दो क्योंकि H तो अवेलेबल है, बिल्कुल सेम है, दोनों बिल्कुल सेम है। सिर्फ ये बताना था मुझे कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के बाद भी ऐसा कुछ दिखता है कि सेम प्लेन में है तो फिर करो, क्योंकि कोई और ऑप्शन हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फर्स्ट हो गया। आते हैं फोर्थ और सिक्स्थ पे। फिफ्थ और सिक्स्थ तो अलग वाली रिएक्शन क्या है, पहले फोर्थ करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा अलग है, ये भी पार्टन रिएक्शन ही है पर थोड़ी अलग होगी। ये दोनों चीजें ध्यान रखना। ठीक है, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4। ओवेनो conditions. तो क्या करेंगे, एच न्यू देख के इसको तो ब्रेक करवा देंगे यहां से, ओ रेडिकल तो बना दिया, एनओ रेडिकल को साइड कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमें बनानी है 6 मेंबर रिंग। देखो 1, 2, 3, 4, 5 यहां पर एक है एच। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जब आपको ऐसा केस दिया हो जिसमें फिफ्थ पोजिशन पर डबल बोन लगा हो, आपको यहां तो देख रहे हो सब में क्या था, sp3 कार्बन थी फिफ्थ पोजीशन पर, है ना, मतलब डेल्टा में जो कार्बन थी अपनी वो sp3 कार्बन थी, बट यहां पर क्या है, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। अगर डेल्टा पे आपकी sp2 कार्बन है तो उसके बाद रिएक्शन फिर ऐसे नहीं होती, वो कैसे होती है, ऐसे होती है कि आपका ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक करता है, मतलब क्या बनता है, ये रेडिकल यहां पर, एक रेडिकल यहां पर। ठीक है, उसके बाद अगर इससे कंबाइन करेगा 1, 2, 3, 4, 5 तो 5 मेंबर रिंग बनेगी, अगर इससे कंबाइन करेगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेंबर रिंग बनेगी। आपको पता है बोल्डविन रूल होता है, एक बोल्डविन रूल के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास चांसेस हो 5 या फिर 6 मेंबर में से किसी एक को बनाने के, तो जो 5 मेंबर है उसके बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है 6 वाले से, मतलब जहां पे 5 और 6 दोनों बनने के चांसेस हो वहां पे 5 बनाओगे। ठीक है, और अगर 6, 7, 8 या कुछ बनने के चांसेस तो 6 हमेशा बनेगी, मतलब 6 की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, 7, 8, 9 या फिर जो भी आपकी इनसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स वाली जो रिंग बनेगी। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना है, जब भी 5, 6 में से कुछ बनाना है तो 5 बनाओ, 6 या फिर इनमें से कुछ बनाना तो 6 बनाओ। ठीक है, तो क्या करेंगे, 5 मेंबर रिंग बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ऑक्सीजन यहां लगाया हमने, ऑक्सीजन पे 1 है, 2, 3, 4, 5। 5 पे क्या लगा हुआ है, CH2 रेडिकल, है ना, यही तो है CH2, ही तो है ये, यही था ना, तो CH2 रेडिकल। अब क्या करेंगे, हमारे रिएक्शन पूरे रिएक्शन जो हमारे रिएक्शन मिक्सचर है उसमें एनो रेडिकल अभी भी है, तो क्या करेगा, इस तरह बॉन्ड बनाएगा, यहां पर आ गया हमारा एनो। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये नेगेटिव, इधर आएगा पॉजिटिव, एक एच जाएगा यहां पर और हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट है वो बनेगा, एक सेकेंड, ये और ये। ठीक है, तो ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, ऐसे करोगे आप। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट वाले नेम रिएक्शन पे, जो मुझे इसी वीडियो में कवर करवाना है, और दोनों को सेम करवाने का रीजन क्या है, सेम करवाने का रीजन ये है कि दोनों का मैकेनिज्म सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर मैकेनिज्म पर होती है, तो आपको दोनों जल्दी से समझ में आएंगे और साथ में याद भी हो जाएंगे। जैसे इसमें बनती है 6 मेंबर रिंग बार्टन में, वैसे ही उस वाले रिएक्शन में भी बनती है
आप कहोगे ना अभी तक नाम नहीं लिया, आपने रिएक्शन का लिखे बहुत बड़ा सा है, लिखती हूं मैं, हॉफमैन लॉफलर फ्रेटेग रिएक्शन, इतना बड़ा नाम है, बट हमें नाम से क्या करना है, सिर्फ मैकेनिज्म पे जाना है, प्रोडक्ट बनना चाहिए बस। तो रिएक्शन का नाम है हॉफमैन लॉफलर फ्रेटेग रिएक्शन, ये रिएक्शन है, ठीक है, बहुत इजी है, बिल्कुल वैसे जैसे बार्टन होती है। इसमें जो सबस्ट्रेट रहता है उस पर फोकस करना है, मुझे लग रहा है शायद ये वाला क्वेश्चन भी इस बार नहीं तो पहले बार नेट में आया, मैंने क्वेश्चन भी रिसेंटली देखा है ये, तो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, जो आपका सबस्ट्रेट है ना कुछ इस तरह का दिखता है, नाइट्रोजन जो होगा उसका सीएल लगा होगा, मतलब सीएल नहीं तो बीआर लगा होगा, कुछ भी ऐसा लगा लो, नाइट्रोजन का कोई भी हैलोजन आपको प्रेजेंट मिलेगा, या तो सीएल मिलता है या फिर बीआर मिलता है, इन दोनों में से कुछ मिलेगा, एफ तो नहीं मिलता, नहीं मिलेगा, सीएल या फिर बीआर मिलेगा, ठीक है, इस तरह से। और फिर यहाँ पे कुछ हमें बनाने सिक्स मेंबर नहीं तो ऐसे दिखा देते हैं, यहाँ पे लगा कुछ भी आर, ठीक है, ये रहता है आपका सबस्ट्रेट। उसके बाद हम क्या करते हैं, एसिड ऐड करते हैं, फर्स्ट स्टेप में एसिड ऐड करते हैं, हीट करते हैं, सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, बेस ऐड करते हैं, कोई भी बेस, ठीक है, ये रहती है आपकी रिएक्शन। तो कैसे करोगे, सबसे पहले क्या करना है हमें, क्योंकि एसिड गिवन है, एसिड क्या करेगी, मतलब यहां से क्या मिलने वाला है हमें, एच प्लस मिलने वाला है, H प्लस कहां पर जाएगा, देखो लोन पेयर कहां पर है, यहां पर ये है, ये, ठीक है, कौन सा अटैक करेगा, ये या फिर ये, जो सीएल है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नहीं देगा, हैलोजन कभी भी डोनेट नहीं करते, हमेशा बेचारे नाइट्रोजन को ही करना पड़ेगा, तो यहां से ऐसे करेगा N, इससे आता है एच, और यहां पर पॉजिटिव, ये है हमारा सीएल और ये है आर, ऐसे होगा काम खत्म। नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम पे देखो क्या होगा, भी क्या है, फिर से वही वाली बात है कि मैंने बोला था हेट्रो एटम का जो बॉन्ड होता है ना वो स्टेबल नहीं होता है, वो ब्रेक करना ही करना है किसी किसी स्टेप में हो जाके, लेकिन ब्रेक करेगा, तो क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, ये ब्रेक करेगा इधर, ये इधर, तो हमें क्या मिलेगा, नाइट्रोजन जिसपे प्लस लगा हुआ है एक एच और एक आर, और साथ में क्या है, ये सीएल रेडिकल, और यहां पर भी क्या है, रेडिकल, ठीक है। अब जो ये मिला है ना हमें, ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल, रेडिकल स्टेबल ना होने का रीजन क्या है, एक तो नाइट्रोजन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर रेडिकल, पहली बात तो ये स्टेबल नहीं है, साथ में नाइट्रोजन साथ में प्लस भी लगा हुआ है तो बिल्कुल ही स्टेबल नहीं है, उसको और इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग बना दिया इस प्लस ने, ठीक है, तो बिल्कुल स्टेबल नहीं है, क्या करेगा, वन टू थ्री फोर फाइव, और यहां वाले एच को निकालेगा सिक्स मेंबर रिंग बना के, या फिर ऐसे समझ लो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, डेल्टा वाली कार्बन के एच को निकालेगा, ठीक है, तो कैसे निकालेगा, मतलब ऐसे बना लो ना सिक्स मेंबर रिंग, ऐसे करके बन गई, तो फिर से ब्रेक करो ऐसे करके, ऐसे करके क्या मिलेगा हमें, एन के साथ आ गई एन रेडिकल, एच रेडिकल ने कंबाइन करके एनएच बना लिया, प्लस तो अभी भी रहेगा क्योंकि दूसरे वाला एच भी है और आर भी है, यहां पर हमें क्या मिला, ये जो कार्बन है सी एच, इसमें मिल गया हमें रेडिकल, ठीक है, रिएक्शन में क्या है ऑलरेडी सीएल रेडिकल, तो क्या करेगा सर, कंबाइन करके यहां पर बना लेगा ये वाला बॉन्ड, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट वाले का ये जो इतना वाला पार्ट है वो क्लियर हो गया, नेक्स्ट पार्ट में बेस डाला हुआ है, कोई भी बेस होता है, एनयूएच हो सकता है, कोई भी डाल दो, क्या करेगा बेस, एच प्लस को निकालेगा, तो क्या करेगा यहां से एच प्लस निकालेगा, तो यहां पर आएगा माइनस, इधर आएगा एच प्लस, तो प्लस माइनस तो हट गया, ये एच प्लस निकल गया, तो हमें मिला है एन एच आर, ठीक है, H प्लस को निकाल दिया वहां से मैंने और ये साइन पे हटा दिया, तो ये है हमारे पास अब बेस का काम हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगर किसी सबस्ट्रेट में मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में अगर एक लिविंग ग्रुप हो और साथ में उसके पास लोन पेयर अवेलेबल हो तो वो अटैक हमेशा ही करेगा, रहने देगा नहीं इसको, सीएल कोई बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है और इसके पास लोन पेयर ऐसे क्या करेगा, यहां से इसको निकालेगा और ये अटैक मारेगा, यहां पर वन टू थ्री फोर फाइव, हमेशा क्या मिलेगी, फाइव मेंबर रिंग, ये साथ में लगा हुआ एच और यहां लगा हुआ आर और ये है प्लस, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने दे दिए, बॉन्ड कितने बन गए, वन टू थ्री फोर, ऐसे निकल गया। नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, बेस तो अभी भी प्रेजेंट क्या करेगा, एच प्लस को निकाल देगा और हमारा आंसर क्या मिलेगा हमें, ये रहेगा आपका फाइनल आंसर इन केस ऑफ हॉफमैन लॉफलर फ्रेटेग रिएक्शन, ठीक है। तो आपका क्या बनता है, याद रख सकते हो, फाइव मेंबर रिंग बनेगी, फाइव मेंबर रिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन, रिंग के अंदर ही होगा हमेशा नाइट्रोजन, ठीक है,
क्योंकि रिंग बनाई है नाइट्रोजन है तो कंटेनिंग नाइट्रोजन, ठीक है, ये बनता है आपका प्रोडक्ट इन केस ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद करते हैं अपने फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन, जहां से दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें सीखने को मिलेंगे, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म तो क्लियर हो गई होगी ना, बिल्कुल सिमिलर है बैटिंग के जैसे ही, ठीक है, बस बात डिफरेंस ये है कि वहां पर रिंग नहीं बनती थी, वहां पर एसाइक्लिक प्रोडक्ट हमें मिलता था, यहां पर मतलब रिंग बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन सिंपल है बट एक कॉन्सेप्ट है इसलिए मैंने करवाया है ये क्वेश्चन। नाइट्रोजन इसका लगा हुआ है एमयू और सीएल, एमई और यहां लगा हुआ है सीएल, और यहां पर एक एच लगा हुआ है और डी लगा हुआ है। ये क्वेश्चन ट्राई करो पहले, H2SO4 हीट और साथ में बेस लेना चाहिए, मैं भूल गई हूं, नहीं भी लिखा है तो भी सेम ही रिएक्शन होनी है, ठीक है, H2SO4 और हीट। क्या करेंगे, सबसे पहले तो H प्लस यहां पर आएगा, प्लस लगेगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये स्टेबल नहीं है, रेडिकल बनेगा, एक यहां पे ब्रेक, एक यहां ब्रेक, ठीक है, तो ब्रेक करने के बाद क्या होगा, इसको हटा दो यहां से ऐसे करके, और यहां आया रेडिकल, और साथ में हमारे पास सीएल रेडिकल अलग हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब 6 में क्या है, कौन सा वाला निकलेगा वो हमें देखना है। 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 मान लो, इसको 6 डैश मान लो। यहां से H को निकालेंगे या फिर D को निकालेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि H को निकालता है, बट आप ये भी तो देखो H हमेशा मतलब H को कई बार रिप्लेस कर देते ड्यूटेरियम से, है ना, तो D भी निकल सकता है, इन दोनों में से कौन सा निकलेगा वो हमें सीखना है। तो अगर मैं आपको बोलूं, इसको ना आप ऐसे समझ सकते हो, मुझे ये बताओ CH वाला बॉन्ड वीक होता है या CD वाला बॉन्ड वीक होता है, तो आप कहोगे कि पता नहीं, वैसे कौन सा होता है, देखो ये वाला बॉन्ड जो होता है वीक होता है, कंपैरेटिवली वीकर। इन दोनों की अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो CH वाला सबसे ज्यादा वीक होता है, उसके बाद CD वाला, उसके बाद C और T वाला, ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। कैसे माने इस बात को, ऐसे मान सकते हो कि अगर बात करते हो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/2πk/d, ये होता है, ये आपका क्या है, रिड्यूस्ड मास। आपको पता है इसका मास कितना होता है, H का 1, इसका 2, ट्रिटियम का कितना होता है 3, तो ये वाला मास सबसे ज्यादा है, इसकी वैल्यू रिड्यूस मास के सबसे ज्यादा किसकी होगी, इसकी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी सबसे कम, इसकी, इसका मास ज्यादा होने की वजह से फ्रीक्वेंसी सबसे कम, क्योंकि यह है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। तो मास का अगर हम ऑर्डर लिखते हैं, सीटी सबसे ज्यादा है, सीडी, उसके बाद सबसे लास्ट में हमारा सीएच, तो ये और ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिड्यूस्ड मास के, तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सबसे ज्यादा किसकी होगी, सीएच की, उसके बाद सीडी की, और सबसे लास्ट में हमारी सीटी की। तो फ्रीक्वेंसी जो कि सबसे ज्यादा किसकी है, सीएच वाले बॉन्ड की। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, ये सी है, ये एच है, अब इसने करना है वाइब्रेट, ठीक है, ये वाइब्रेट करेगा, मान लो ये सी है, ये एच है, ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मतलब जितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हो रही है पर सेकंड, वही तो आपकी फ्रीक्वेंसी है ना, तो जितनी ज्यादा वाइब्रेशन होंगी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, मान लो मैंने बोल दी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, इसकी कितनी होगी, मान लो 40 हर्ट्ज, इसकी है 30 हर्ट्ज, समझाने के लिए बोल रही है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। हर्ट्ज क्या होता है, पर सेकेंड, इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, 50 वाइब्रेशंस होंगी एक सेकेंड में, तो एक सेकंड में 50 वाइब्रेशंस होनी है, ऐसे ऐसे करके, इसमें 30 होनी, इसमें सबसे कम 30 होनी है, इसमें 40 होनी है, ठीक है, तो जिसमें सबसे ज्यादा वाइब्रेशन होगी वो क्या करेगा, बॉन्ड वीक, मतलब जल्दी टूटेगा ना वो, तो उसमें क्या होता है, बॉन्ड वीक हो जाता है, इसलिए सीएच वाला बॉन्ड वीक है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हम बहुत बार यूज करते हैं, वो क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन। आपने देखा होगा हाइपर कॉन्जुगेशन कौन शो करता है इनमें से, सीएच शो करता है, जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो इसी का रिजल्ट है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इस वाले इसमें है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी बॉन्ड वीक होगा, जल्दी टूटेगा, इसलिए कहें जो बॉन्ड वीक होगा तभी तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन समझ रहे हो, मतलब देखो जैसे यहां पे सीएच थ्री है, या ऐसे तो नहीं समझ पाओगे, एक काम करते हैं वो बनाते हैं कार्बोकैटायन, हम बोलते हैं ये वाला कार्बोकैटायन स्टेबल होगा ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो कैसे करते हैं, जो ये एच होते हैं इनको ऐसे दिखाते हैं और बोलेंगे तीन स्ट्रक्चर बनेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, तो वो कैसे बनते हैं, बेसिकली एच अपना यहां दे देता है तो क्या बनता है, सी एच टू इधर, ये और ये प्लस बन जाते हैं, तो क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन ही तो है, जिसे अपना ये जो सी एच बॉन्ड ब्रेक करके इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों शो करता है, क्योंकि ये वाला बॉन्ड वीक है,
अगर यहाँ पे मैं डी लगा दूं तो ये शो नहीं करेगा, सिर्फ ये वाला बॉन्ड शो करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि यहाँ पर हमारा सी एच वाला बॉन्ड वीक है तो पहले ही टूटेगा, बस इतना ही समझाना था। बाकी कहानी आपके कहा आ जाएगी, कहीं ना कहीं जनरल नॉलेज है। ठीक है, अभी आते हैं क्वेश्चन पर। तो समझ गए ना कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, हमारा ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा। ठीक है, वैसे मुझे पता है अगर ये वाला क्वेश्चन आता पेपर में तो आप क्या करते, एच को ही ब्रेक करवाते, बट ऑप्शन देके कंफ्यूज भी हो सकते थे, इसलिए बताया मैंने। तो यहां पर अभी देखो, एच रेडिकल ब्रेक हुआ, यहां पर आया रेडिकल, ठीक है, और डी वैसे का वैसे लगा रहेगा यहां पे ऐसे, और यहां पे क्या हुआ एमई और साथ में एच, और यहां पर इसने एच ये वाला ले लिया तो आ गया प्लस 10। अब जो ये रेडिकल है ये सीएल वाइज, जो सीएल रेडिकल सब कंबाइन करेगा, यहां पर आ गया सीएल, फिर क्या करेंगे जो बेस है वो क्या करेगा, एच प्लस को निकाल लेगा, एच प्लस निकलेगा, इसको हटा दो। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, ये सीएल यहां से इसको निकाल देगा बाहर, और मतलब सीएल बाहर निकल जाएगा और ये अटैक करेगा यहां पर, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग आपकी बन गई। कैसे बनेगी, ऐसे तरह आपकी बन गई, नाइट्रोजन आ गया ये 1 2 3 4 5, जो 1 वाली पोजीशन है उस पर लगा हुआ है H और M। नाइट्रोजन ही क्योंकि अपने लोन पेयर दे तो क्या आएगा प्लस का साइन, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पोजीशन पर एक M ही लगा हुआ, एक D लगा हुआ, लगा दो यहां पर एक M ही लगा दो और एक D लगा दो, ये है आपका फाइनल। नहीं बेस डालोगे तो क्या होगा H प्लस निकलेगा, चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा ऐसे करके, तो ऐसे उसको हटा दो, तो ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आपका ये आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसके बाद इतना काफी होगा आपके नेट के एग्जाम के लिए, गेट के एग्जाम के लिए बहुत है इतना। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल है, बस एक कंफ्यूजन हो सकती है कि कहां से निकाले, दोनों साइड अवेलेबल है हमारे पास, एच ये सीएल, ठीक है, एच प्लस सबसे पहले, बिल्कुल सेम मैकेनिज्म जल्दी जल्दी कर रही हूं, आ गया प्लस। नेक्स्ट टाइम में क्या हुआ, ये ब्रेक हुआ, एक रेडिकल यहां पर सीएल रेडिकल को साइड कर दू, क्या करेगा एच निकालना है, 1 2 3 4 5 यहां पर लगे होंगे दो एच, एक तो ये हो गया, दूसरा क्या है 1 2 3 कम बनाया है मैंने, 1 2 3 4 1 2 3 4 एक और बनेगा 3 4 5, हाँ इसको एक और ड्रो कर लेना, 1 2 3 4 5 हाँ ऐसे बनेगा, तो ये यहाँ पे 4 और ये 5, ठीक है, मतलब यहाँ पे लिख दो उसको CH3। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर भी हमें H मिल जाएगा, एक वाला कर दो CH2H, ऐसे करके यहां पर भी एक H अवेलेबल है 6th पोजीशन पर और यहां पर भी एक अवेलेबल है 6th पोजीशन, तो कौन से वाला निकालेंगे। ठीक है, बस यही क्वेश्चन है। तो आप देखो, अगर आप यहां से निकाल तो H को H रेडिकल निकालोगे तो आपका एक ये आएगा रेडिकल यहां पर, है ना, H रेडिकल को अलग कर दो, मतलब एच रेडिकल चाहे यहां से आए यहां से आए, आएगा तो यही ना, उसके लिए देते हैं यहां पे। ठीक है, उसके बाद अगर यहां से निकालोगे तो रेडिकल आएगा यहां पर। अब आप बस ये देख लो, ये वाला रेडिकल ज्यादा स्टेबल है या फिर ये वाला रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, ये जिस कार्बन पे आया है रेडिकल वो सिर्फ एक कार्बन से अटैच है तो ये हमारा क्या है प्राइमरी रेडिकल, और ये जिसपे अटैच है कार्बन से वो दो कार्बन से अटैच क्या है सेकेंडरी रेडिकल, ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा सेकेंडरी वाला, इसलिए ये नहीं निकलेगा, उसको वापस बना दो, ठीक है, और ये निकल जाएगा, तो उसके क्या करेंगे यहां पे रेडिकल यहां पर आ जाएगा, नेक्स्ट टाइम क्या करेगा सीएल यहां पे अटैक करेगा, ऐसे बेस क्या करेगा एक एच को रिमूव कर देगा यहां से, और नेक्स्ट स्टेप में सीएल यहां से बाहर और उसके नाइट्रोजन यहां पे ऐसे करके रिंग बनाओ, 5 मेंबर रिंग, यहां पे 1 है 2 3 4 5, 5th पोजिशन पर CH3 है, 5th पोजिशन पर CH3, 1 वाली पोजिशन पर एक एच है प्लस लगे क्योंकि लोन पे गए यहां पर, 1 2 3 4 5, तो यहां पे ये वाली चेन बना दो, 1 2 3 4 5 इस तरह की हमारी चेन बन गई, नेक्स्ट टाइम में बेसिस को निकालेगा ऐसे करके, तो ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, इसे सबको करना था, अच्छा एक सेकेंड, मैं जो पहले क्वेश्चन था ना वो सही था, आई होप आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, मैंने नंबर यहां से शुरू कर दी 1 2 3 4 और यहां पर क्या रहेगा हमारा 5 वाला है जिसपे CH3 लगा हुआ है, ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, एक कार्बन एक्स्ट्रा हो गई थी, बस ऐसे करना है, यहां पर 1 2 3 4 ऐसे करती हूँ, ये रहेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे बनाना था, बस वहां पे ठीक कर लेना ये कार्बन नहीं है,
ये है क्वेश्चन। सो आई होप ये वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।